ने तकरीबन पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि गाड़ी पीछे से पूरी थी, अभी इस एपिसोड के अंदर जो हमने से पूरा पीछे से काट कर एक ये रिवो वाले इसके लिए हमने डंडा लिया है, ठीक है, वो लगा दिया है पीछे से, जो उसने रिवो की फ्रंट लाइट इसके लिए लिए हैं, ठीक है, ये चेक करें आप, ठीक है। प्राडो वाली जाली हमने इसके लिए ली, इसके फ्रंट पे आ जाएगी, और ये इसकी हमने बैक लाइटें ली हैं, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग, मुझे ठीक ठाक होंगे। ऑटो पार्ट्स वाला था मादे से एक और वीडियो के साथ आज फिर से आपके साथ आते रहे। वीडियो का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, थंबनेल थोड़ा सा सही नहीं आया, उसकी वजह यह है कि वर्कशॉप पर रश कुछ ज्यादा हो गया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो मज़दा स्टेशन वैगन वाला प्रोजेक्ट, टोयोटा स्टेशन वैगन वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसको हम रिवो के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, उसका एपिसोड नंबर 2 आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है उसका बैक साइड वगैरह काट कर और कुछ सामान उसके लिए हमने लिया है रिवो का, पीछे से रिवो का लुक देने के लिए। तो वही वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरीके की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो पार्ट्स वालों को सब्सक्राइब करें, साथ साथ टिकटॉक पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमारा पेज है ऑटो पार्ट्स वाले के नाम से, वहां पर भी फॉलो करें। तो ये देख सकते हैं आप टोयोटा स्टेशन वैगन वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको जो है हमने तकरीबन पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि गाड़ी पीछे से पूरी थी, अभी इस एपिसोड के अंदर जो हमने से पूरा पीछे से काट कर एक ये रिवो वाले इसके लिए हमने डंडा लिया है, ठीक है, वो लगा दिया है पीछे से, जो उसकी छत वगैरह थी वो हमने पूरी काट दी है, ठीक है जी। अगर आप एपिसोड नंबर 2 में वॉच कर रहे हैं तो फ्रंट से भी आपको एक गाड़ी का लुक मैं दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये चेक करें भाई, ये गाड़ी है, इसे हम तो टोटली जो है रिवो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसका जो है रिवो के लिए हमने डंडा वगैरह जो होता है पीछे का वो ले लिया है, ये चेक करें, ठीक है। इसके साथ साथ हमने रिवो की फ्रंट लाइट इसके लिए लिए हैं, ठीक है, ये चेक करें आप, ठीक है। प्राडो वाली जाली हमने इसके लिए ली, इसके फ्रंट पे आ जाएगी, और ये इसकी हमने बैक लाइटें ली हैं, ठीक है, जो कि यहाँ बैक पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है कि इस तरह चादर वगैरह लग कर बेहतरीन लुक आ जाएगा रिवो डाले वाला इसका इंशाल्लाह यहाँ पर। अभी हमने पीछे इसकी जो है फर्श वगैरह ये अलग से हमने ऐड किए, गाड़ी तकरीबन ये यहाँ तक थी, ये वाला जो हिस्सा है हमने इसके अंदर पूरा टोटली आधा ऐड किया है, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे से बड़ा किया है, ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना गाड़ी, तो ऐसा लुक देगी इंशाल्लाह बेहतरीन, क्योंकि अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। ये डंडा वगैरह भी आप देख सकते हैं कि रिवो वाला आ गया पीछे से, इसकी भी अभी तकरीबन सेटिंग वगैरह चल रही है, सेट होगा फिर बैकलाइटों की सेटिंग होगी, फिर इसके बाद जो है फ्रंट पर हम आ जाएंगे, ठीक है। फ्रंट की जो हेडलाइटें वगैरह आप चेक करें, प्राडो वाली बड़ा बेहतरीन लुक देंगी। तो ये मज़दा स्टेशन वैगन गाड़ी है, बहुत कम यूज है, ज़्यादातर बाहर साइड पर जो ये गाड़ी यूज होती है लोडिंग वगैरह के लिए। अब ये गाड़ी ऐसी हो गई कि पहले पीछे से बंद थी, इस तरह ये गाड़ी बंद थी, ठीक है। एपिसोड 1 में आप जाकर देख लें, इसका लिंक जो है मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब ये यहाँ पर ये है कि लोडिंग वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है, आप इसके अंदर सामान वगैरह भी रख सकते हैं, लेकर आना जाना कर सकते हैं। तो ये है कि इस लिहाज से जो है इस गाड़ी को हम बना रहे हैं, और ये चादर वगैरह इंशाल्लाह भी और भी मजबूत करेंगे। तो कैसा प्रोजेक्ट है आपके लिए, एक छोटी सी अपडेट वाली वीडियो थी कि आपको अपडेट कर देते हैं कि मज़दा स्टेशन वैगन वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर कितना काम हो गया। तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद आपको छोटी वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरीके की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।